अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पाकिस्तान को लेकर जो बातें कही वो पूरी दुनिया के लिए इस वक्त चेतावनी है। बाइडेन ने पाकिस्तान को खतरा बताया। अब सवाल यह है कि बाइडेन को पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात क्यों कहनी पड़ी। सवाल यह भी है कि बाइडेन पाकिस्तान को लेकर जो कह रहे हैं, क्या अमेरिका उस पर अमल भी करेगा या फिर ये पहले की तरह बातें हवा हवाई होकर रह जाएंगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। चरित्र पर इंटरनेशनल चोट, बाइडेन का बिग एक्सपोज। खतरनाक बनी पहचान, ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान। जिस पाकिस्तान को पिछले महीने तक अमेरिका ने सिर आंखों पर बिठाया, $450 मिलियन की सैन्य मदद दी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जबरदस्त स्वागत किया गया। अब एक महीने बाद रिश्तों की गर्मजोशी तल्खी में बदल गई है। जिस पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने खुलकर दोस्ती का इजहार किया, अब उसी पाकिस्तान को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कड़वी और जलील करने वाली बातें सुनने को मजबूर होना पड़ रहा है। पिछले महीने तक प्यार दुलार, अब पाकिस्तान को भारी दुत्कार। विदेश मामलों के एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के स्टैंड में बदलाव की एक बड़ी वजह पाकिस्तान के अनकंट्रोल्ड आतंकवादी संगठन है। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले चेतावनी दे चुके हैं कि अफगानिस्तान से तेजी से सेना हटाने की वजह से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। विदेश मामलों के जानकारों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अपने बयान के जरिए पाकिस्तान में आतंकवादियों को मिलने वाली खुली छूट की तरफ इशारा कर रहे हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान के पास मौजूद उन न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर है जो उसने बिना किसी समझौते के जमा कर लिए है। पाकिस्तान के पास कितने परमाणु बम है, इसकी सटीक संख्या के बारे में कोई नहीं जानता। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के डेटा के मुताबिक परमाणु हथियारों की संख्या के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया भर में 6ठे नंबर पर आता है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 165 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें ज्यादातर ऑपरेशनल हैं। ये वो आंकड़ा है जिसका अनुमान लगाया गया है क्योंकि 1972 में न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने वाले पाकिस्तान ने बीते 50 साल में कितने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, इसकी ऑफिशियल जानकारी किसी के पास नहीं है। पिछले 50 साल में पाकिस्तान ने 6 बड़े न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। चिंता इस बात की भी है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स लेकर उड़ने वाली घातक मिसाइलें भी हैं। पाकिस्तान ने सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शाहिन 3 डेवलप की है। शाहिन 3 की रेंज 2750 किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान शाहिन 3 के जरिए कई देशों को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं, इसे लेकर कई बार रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। ये भी सबको पता है कि पाकिस्तान के पास घातक परमाणु हथियार है, तो फिर सवाल ये है कि जिस पाकिस्तान को अमेरिका ने पिछले महीने सैन्य मदद दी, उसे अब सबसे खतरनाक देश क्यों बता रहा है। क्या अमेरिका को एक महीने के दौरान पाकिस्तान के खतरनाक होने का पता चला? हैरानी वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान ने जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स जमा किए वो अमेरिका की नाक के नीचे जमा किए। पाकिस्तान परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाता रहा, अमेरिका चुपचाप देखता रहा। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के अधिकारी रहे रॉबर्ट एल ग्रेनियर ने इसे लेकर एक इंटरव्यू में चौंकाने वाली बात बताई थी। रॉबर्ट एल ग्रेनियर के मुताबिक 1980 में अमेरिका ने न सिर्फ पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सबूतों को नजरअंदाज किया, बल्कि इनाम में आर्थिक और सैन्य मदद तक मुहैया कराई। तो सवाल यह है कि अब तक पाकिस्तान को नजरअंदाज कर रहे अमेरिका को अपनी भूल का एहसास हो गया है। क्या अब अमेरिका पाकिस्तान पर नकेल कसने के मूड में आ गया है? लेकिन इतिहास की तरफ देखें तो बाइडेन की सख्त बातों के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाएगा। इस बात का एहसास पाकिस्तान को भी है। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों का इतिहास देखें तो ये कई उतार चढ़ावों से भरा रहा है। 1993 में एक ऐसा दौर भी आया था जब अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते हद से ज्यादा बिगड़ गए थे। 1993 में डेमोक्रेटिक पार्टी के बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद क्लिंटन ने पाकिस्तान को कश्मीर में आतंकी घटनाओं को लेकर आगाह किया। पाकिस्तान को दो टूक कहा कि वो कश्मीर में आतंकी संगठनों को समर्थन देना बंद करें, नहीं तो उसे आतंकी देश घोषित किया जाएगा। लेकिन कुछ ही महीने में बिल क्लिंटन प्रशासन के सुर बदल गए। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को भरोसेमंद साथी बता दिया। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के अधिकारी रहे रॉबर्ट एल ग्रेनियर ने एक इंटरव्यू में बताया कि क्लिंटन प्रशासन ने 1993 और 1994 तक पाकिस्तान को डरा कर रखा। रॉबर्ट एल ग्रेनियर की बातों पर यकीन किया जा सकता है क्योंकि वो क्लिंटन सरकार के वक्त अमेरिकी विदेश मंत्रालय में तैनात थे और अंडर सेक्रेटरी के साथ काम कर रहे थे। अगर रॉबर्ट एल ग्रेनियर की बातें सही हैं, तो इसका एक ही मतलब है, अमेरिका ने पाकिस्तान को डरा कर अपने हित साधे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी रणनीति पर काम कर रहा है या फिर इस बार पाकिस्तान पर अमेरिका की नकेल कसने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।